और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। रामलला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा को हम सब साक्षी बने हैं और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, जनजातियों सहित समाज के हर वर्ग ने जाति पाति विचार दर्शन उपासना पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए स्वयं को उत्सर्ग किया। अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में आपके आगमन के साथ ही भारतीय जनमानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलही राम सगुन शुभ होई। अभी गर्भगृह में वैदिक विधि विधान से रामलला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा को हम सब साक्षी बने हैं। अलौकिक छवि है हमारे प्रभु की, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। धन्य है वह शिल्पी जिसने हमारे मन में बसे राम की छवि को मूर्त रूप प्रदान किया है। विचारों और भावनाओं की विहलता के बीच मुझे पूज्य संतों और अपनी गुरु परंपरा का पुण्य स्मरण हो रहा है। आज उनकी आत्मा को असीम संतोष और आनंद की अनुभूति हो रही होगी।